बीजेपी आज जारी कर सकती है अपना घोषणा पत्र, किसान महिलाओं और गरीब वर्गों के लिए कर सकती है अहम ऐलान। बीजेपी के घोषणा पत्र में मोदी, अमित शाह समेत कई नेता रहेंगे मौजूद, धारा 370 को भी संकल्प पत्र में कर सकते हैं शामिल। अब राहुल के जीजा भी करेंगे प्रचार, रॉबर्ट वाड्रा पर भाजपा ने किया कटाक्ष, नेहरू गांधी परिवार के दामाद कांग्रेस के पक्ष में करेंगे प्रचार। अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती दे रही स्मृति ईरानी ने साधा वाड्रा पर निशाना, कहा जहां जहां रॉबर्ट वाड्रा जाने वाले हैं वहां की जनता अपनी जमीन बचाए। आरसीबी ने लगाया हार का छक्का, 6 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की, दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उनके ही घर में हराया। हाईवे सील के फैसले पर तिल मिलाए फारूक और महबूबा, आदेश मानने से इनकार, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार के हाईवे बंदी के आदेश को नहीं मानेंगी। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 100 से ज्यादा लूट की वारदात को दे चुका है अंजाम, दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास से किया गिरफ्तार। 9 अप्रैल को हुआई अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन हुआई P30 Pro और P30 Lite को भारत में करेगा लॉन्च, 5 रियर कैमरे वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन नोकिया 9 प्योर व्यू भी हो सकता है लॉन्च। सिंगापुर सरकार का सख्त आदेश, फेक न्यूज फैलाने वाले पर 5 करोड़ तक का जुर्माना, करीब 5.12 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का किया प्रावधान। सूडान में राष्ट्रपति अल बशीर के खिलाफ प्रदर्शन, 1 व्यक्ति की मौत, प्रदर्शनकारियों ने लगाए 1 Army 1 People के नारे। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं, लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।